कराची में मुनक्किद होने वाला ऑल कराची इंटर क्लब कबूतरबाजी का मुकाबला उस्ताद मोहम्मद रेहान ने जीत लिया। उस्ताद मोहम्मद रेहान ने 252 घंटे तक कबूतर उड़ाए। शाहिद रजा ने दूसरी पोजीशन हासिल की, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात के कौंसल जनरल शेख बकीत अतीक अल मरूसी ने भी खुसूसी तौर पर मुकाबले में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि 200 घंटे तक कबूतरों को उड़ाकर तीसरी पोजीशन भी हासिल की। तो इसके अंदर माशाल्लाह 31 पार्टिसिपेंट्स थे हमारे, जिसमें अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी और मैंने 252 घंटे बना के पूरी कराची में टॉप किया। ये जो कबूतरबाजी का ये जो फन है या ये शौक, ये स्पोर्ट का दर्जा दिया हुआ किंगडम ऑफ बहरीन में, और ये शौक इधर से ही गया पाकिस्तान से गल्फ के अंदर ही। इस मौके पर बहरीन के वजीर शेख मोहम्मद इब्राहिम का कहना था कि कबूतर अमन का पैगाम होते हैं। कराची में इस खेल का मुकाबला देखकर बेहद खुशी हुई। दिस स्पोर्ट एंड दिस शौक इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन द गल्फ रीजन। Bahrain has started a committee that has been issued by the government and by the Ministry of Sports. बकीत अतीक अल मरूसी का कहना था कि अगले साल इस मुकाबले में मजीद कबूतरबाजों को शामिल किया जाएगा ताकि खेल ज्यादा से ज्यादा फरोख पाए। आखिर में कुरानदाजी में 5 खुशनसीबों को मोटरसाइकिलें भी दी गयी। कैमरामैन इरफान बशीर के साथ जाहिद गफ्फार, न्यू न्यूज़ कराची।